अब आप देख रहे टेकमेक। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और साइंस के वीडियो मेरे चैनल में देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। और एक वीक में फिर से लेट हुआ है कि एग्जाम था, तो कल मैं वीडियो बनाया था पर अनफॉर्चुनेट डिलीट हो गया, तो मैं फिर से बना नहीं सका, टाइम नहीं हो। तो आज दो चार और वीडियो मिल जाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है माइक्रोप्रोसेसर के बारे में। कल एक वीडियो में बनाया था, मेरे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट किया था कि माइक्रोप्रोसेसर क्या है, कैसे काम करती है, माइक्रोप्रोसेसर बनाया कैसे जाता है, तो आज ये सब वीडियो में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए माइक्रोप्रोसेसर होता क्या है, एक लॉजिकल चिप होता है, ठीक है, एक सर्किट आईसी होता है जो हमारा कंप्यूटर लैपटॉप ठीक है सीपीयू में यूज होता है। जैसे हमारे मदरबोर्ड में माइक्रोप्रोसेसर लगता है, प्रोसेसर ही है जनरली। नाउअडेज आपको स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा, टैबलेट्स वगैरह में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, आईफोन्स इसमें भी देखने को मिलता है सब में। मतलब अब जो भी नया फोन आता है, मतलब स्मार्टफोन, टैबलेट्स और पीसी वगैरह और दूसरे बहुत सारे चीज में माइक्रोप्रोसेसर होते हैं। तो माइक्रोप्रोसेसर काम कैसे करता है और माइक्रोप्रोसेसर कैसे बनाया जाता है, देखिए फर्स्ट में बोल रहा हूँ कैसे बनाया जाता है माइक्रोप्रोसेसर। मैं आपको दिखाता हूँ एक पुराना जमाना का, जब माइक्रोप्रोसेसर बहुत पहले दिन का होता था, ऐसे बिग साइज में होता था। नाउडेज बहुत छोटा हो गया, इतना ऐसे करके हाफ हो गया, पर आज का डेट में बहुत पावरफुल है माइक्रोप्रोसेसर। उस जमाने में पिन पावर सब था, उतना पावर नहीं था, इसका जो स्पीड था 800 मेगाहर्ट्ज, नाउडेज गीगाहर्ट्ज आ गया है, ठीक है 2.3-4 गीगाहर्ट्ज। तो आप समझ सकते हैं कि आज के डेट में कितना मॉडिफाई हो गया है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गया है। तो बात कर लेते हैं माइक्रोप्रोसेसर कैसे बनाया जाता है। मेड इन हाई सिलिकॉन बेस्ड, ठीक है, हाई सिलिकॉन से बनाया जाता है और इसके ऊपर रहता है गोल्ड। देखिए पीछे की तरफ जो सिंग, मतलब ये जो कहो ये मतलब पिन देख रहे हैं, सॉरी पिन देख रहे हैं, नाउडेस पिन नहीं रहता है, पिनलेस हो गया है। तो पिनलेस के ऊपर भी गोल्ड का जो गोल्ड रहता है, ठीक है, और यहाँ पर भी गोल्ड है देख रहे हैं, और ऊपर की तरफ गोल्ड दिया हुआ है, गोल्ड प्लेटेड और फुल मेड ऑफ सिलिकॉन। आज के डेट में भी सेम ही तरीके से बनाया जाता है, थोड़ी अपग्रेड हुआ है, मतलब स्पीड परफॉर्मेंस मतलब थोड़ी छोटी हो गई है। तो जान गए होंगे माइक्रोप्रोसेसर बनाया कैसे, आप जान लेते हैं माइक्रोप्रोसेसर काम कैसे करती है। ये माइक्रोप्रोसेसर क्या है ये फर्स्ट जान लेते हैं। कंप्यूटर लैपटॉप स्मार्टफोन की एक आर्टिफिशियल ब्रेन होता है माइक्रोप्रोसेसर, एक इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे हमारा ब्रेन हो गया बॉडी में एक इम्पोर्टेंट चीज, मैं सोच रहा हूँ फिर जाके बोल रहा हूँ इसके अंदर प्रोसेसिंग हो रहा है, तो इसका अंदर भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। हम जब सोचते हैं ब्रेन ये भी सोचता है, इसके अंदर भी प्रोसेस होता है, पर ये मैं समझाऊंगा कैसे होता है। मैं अब समझा रहा हूं कि माइक्रोप्रोसेसर क्या है जनरली। माइक्रोप्रोसेसर एक मैं बोल दिया आर्टिफिशियल ब्रेन है जो ये भी सोचता है हमारा तरफ, सोच के जल्दी से टास्क करके देता है, ठीक है। ये भी ब्रेन है, कंप्यूटर सीपीयू, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स और टैबलेट्स वगैरह का, तो एक इम्पोर्टेंट चीज होता है। और अब आ जाते हैं असली मुद्दे पर, जो इसका बाद में कर रहा था कि कैसे काम करती है। जनरली ये जो समझती है वो टोटली एएलयू, मतलब एरिथमेटिक जो लॉजिक यूनिट होता है इसके अंदर, वो एरिथमेटिक से काम करती है, मतलब मैथमेटिकली कैलकुलेट करती है, वो कोई दूसरा टाइप मिशनरी लैंग्वेज करती है। मतलब हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं और जो अल्फाबेट नंबर यूज करते हैं वो नहीं, कोई दूसरा टाइप जो मशीन समझ सके उसको मशीनरी लैंग्वेज कहते हैं। उसमें उस टाइप की एरिथमेटिक लॉजिकल कैलकुलेशन होता है और उससे कन्वर्ट करके ट्रांसफर करके मशीनरी से हम जो समझ सके वैसे आउटपुट दिखाता है। तो आप सिंपल में समझिए,
समझिए हम कुछ कर रहे हैं, हमने स्मार्टफोन लैपटॉप समझिए फेसबुक ओपन किया, कुछ टाइप कर रहे हैं। जब टाइप करते हैं तो क्या होता है, बीच से रास्ता होता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच में, तो वो गुजर के माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर जाता है, माइक्रो प्रोसेसर ब्रेन है तो वहां पर जाके काम होता है। ठीक है, बहुत सारे एरिथमेटिक कैलकुलेशंस होते हैं, लॉजिकल कैलकुलेशंस होते हैं। ठीक है, और ऐसे करके कैलकुलेशन में बाइनरी, जो बाइनरी समझती है माइक्रो प्रोसेसर, 01 01 00 ऐसे करके कोड होता है। जैसे माने ये का कुछ ऐसे कोड है जो रिप्रेजेंट करता है ये को, आप ये लिख रहे हैं तो कंप्यूटर नहीं समझेंगे कि ये का मीनिंग ये क्या है। मतलब आप ये लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर ये भी नहीं समझता। उसका रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ बाइनरी कोड्स होता है जो एरिथमेटिकली कैलकुलेट से बनाया गया है, उस अल्फाबेटिकली और नंबरिकली और कुछ भी, जब भी कुछ आप करते हैं कंप्यूटर में, कुछ ओपन करते हैं, कुछ गेम चलाते हैं, सब कुछ ही उसमें प्रोग्रामेबल है, पहले से ये नंबर देखे। तो ऐसे करके माइक्रो प्रोसेसर काम करती है जनरली। और इसके ऊपर में बोल दिया था गोल्ड प्लेटेड होता है, पीछे की तरह गोल्ड का जो पिन गोल्ड प्लेटेड ही होता है, और आप नॉलेज पिन लेस भी मिलता है। एएमडी के कुछ प्रोसेसर है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि पिन है, इंटेल में पिन नहीं है। ठीक है, और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है, आईसीज जो मेन थिंग्स है इसके अंदर, कैश मेमोरी होते हैं, और इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर रहता है तरह तरह के ट्रांजिस्टर। ठीक है, जितने ज्यादा आपको थिन होगा प्रोसेसर, नैनोमीटर ये बहुत मोटी है, देखिए जितने थिन मतलब छोटा होगा उतनी ज्यादा स्पेस मिलेगा ट्रांजिस्टर के लिए, और उतनी पावरफुल होगा प्रोसेसर। ये तो मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, समझ गया होंगे कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, कैसे काम करती है। और माइक्रो प्रोसेसर एक इम्पोर्टेंट है हमारा पीसी लैपटॉप के लिए, तो मैं हर वक्त कहता हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर मतलब प्रोसेसर और सीपीयू कंट्रोल यूनिट को हर वक्त अच्छे से खरीदे। मतलब अब एक सीपीयू बिल्ड करना चाहते हैं, एक फोन खरीदना चाहते हैं, हर वक्त देखिए कि कौन सा प्रोसेसर यूज हो रहा है, माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है, क्योंकि हर वक्त एक इम्पोर्टेंट वैल्यू रोल प्ले करता है। क्योंकि हर काम आपका कंप्यूटर ऑन होने से लेके ऑफ तक हर वक्त काम करता है। ठीक है, जब भी ऑन कर रहे सिग्नल पहुंच रहा है, ठीक है कैलकुलेट कर रहा है, हर वक्त काम करता है। जैसे हम हमारा ब्रेन, हम सुबह उठते हैं ब्रेन काम करता है, काम करता है, रात में सोने जाते हैं फिर वो ऑफ होता है जब हम स्लीपिंग मोड में जाते हैं। तो ऐसे करके माइक्रो प्रोसेसर भी सेम काम करता है, सिर्फ हमसे डिफरेंस क्या है, वो जो डिफरेंट टाइप का मैथमेटिकली कैलकुलेशन करता है वो है बाइनरी कोड समझता है, जो मशीनरी लैंग्वेज है वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं समझ सकते, जो टेक्निकल पर्सन है उसको समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके ही होता है। तो आज का वीडियो गाइस यहाँ पर खत्म होता है, आशा करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, कैसे काम करती है और इसका जरूरत हमको क्यों पड़ती है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।